उत्तर प्रदेश में बीजेपी का महामंथन पूरा हो चुका है, चिंतन खत्म हुआ है और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशी गई है। उत्तर प्रदेश में कहां कमी रह गई, किसने भीतरघात किया, किसने अपनों के वोट काटे, कहां पर बीजेपी गलती कर बैठी, सारी वजह पता चल चुकी है और अब सीएम योगी की नजर 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। लोकसभा चुनाव की मिस्टेक का रीटेक ना हो, इसके लिए योगी ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दे दिया है। योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट मैसेज दिया, कहा कि उन्हें बैकफुट पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से विपक्ष उछल कूद कर रहा है, लेकिन वो ये भी याद रखें कि 2014 से बीजेपी उन्हें लगातार हरा रही है। योगी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन इससे पहले योगी ने यूपी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। यूपी में 10 सीटों पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी, लेकिन इसके लिए हर कार्यकर्ता को आज से ही जुटना होगा, इसे अभियान मानकर चलना होगा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक में दो बड़े मैसेज दिए गए। पहला ये 2027 का चुनाव जीतना है। सीएम योगी ने मंच से संदेश दिया, अगर लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति 2027 के विधानसभा में हुई तो इसका असर नीचे तक जाएगा। दूसरा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सभी को करना होगा। दरअसल ये शिकायत लगातार आ रही है कि सरकारी दफ्तरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मन से काम नहीं किया, कार्यकर्ता निराश रहे। यूपी में योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और जीतेंगे। इसकी शुरुआत यूपी उपचुनाव से होगी। अगले कुछ ही दिन में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह से खुद योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके कमियां गिनाई हैं। उससे पहले योगी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सच से सामना कराया। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह खुद योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके गिनाई, अति आत्मविश्वास, अफवाह, साजिश, भीतरघात, वोट बैंक शिफ्ट होना, लोकल मुद्दों से दूरी बना लेना, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। तुम लोग कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।